देखो ये लीटकोड का फोर्थ वाला प्रॉब्लम है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। उसमें क्या है, एक्चुअली दो एरे दिया हुआ है, उसमें से हमें सेंटर वाला एलिमेंट को हमें रिटर्न करना है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये दो एरे है, ठीक है, उसको पहले हमें मर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पहले सॉर्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट को सेंटर वाले एलिमेंट को रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, अगर हमारा एरे का साइज़ जो सॉर्टेड एरे है उसका साइज़ अगर इवन नंबर है, ठीक है, तो हमें बीच वाले दो एलिमेंट गेट करना है, फिर उसका मीडियन निकाल के हमें रिटर्न करना है। सो मैंने यहाँ पे सेम कोड राइट किया है, सेम एग्जांपल, ठीक है, और एक फंक्शन बनाया है। तो अभी इसको यहाँ पे कोड लिखते हैं और रन करके चेक करते हैं, फिर बाद में लीटकोड पे अपलोड करते हैं। देखो पहले तो हमें दोनों एरे को एक तीसरे एरे में मर्ज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, एक तीसरा एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इंटीजर फाइनल एरे। हमें इसकी साइज़ असाइन करनी पड़ेगी, नम्स वन डॉट साइज प्लस नम्स टू डॉट साइज, ठीक है। अभी इसको मर्ज कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मर्ज वाला फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे नम्स वन डॉट बिगिन नम्स वन डॉट एंड, सेम एज इट इज़ फॉर नम्स टू, नंबर एरे टू। तो यहाँ पे बिगिन नम्स टू डॉट एंड, किस में मर्ज करना है, फाइनल एरे में। तो यहाँ पे मैं फाइनल एरे यूज़ कर लेता हूँ, फाइनल एरे डॉट बिगिन, ठीक है। अभी इसको सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉर्ट वाला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ मैं, फाइनल एरे डॉट बिगिन एंड फाइनल एरे डॉट एंड, ओके। चलो यहाँ पे एरे मर्ज हो गया और सॉर्ट भी हो गया। अभी हमें टोटल एलिमेंट्स चेक करने हैं, तो यहाँ पे मैं टोटल एलिमेंट्स ले लेता हूँ, तो फाइनल एरे डॉट साइज, ठीक है। एक मीडियन ले लेते हैं जो हमें वैल्यू हमें रिटर्न करना है, तो डबल मीडियन, ठीक है। इस मीडियन एलिमेंट को हम रिटर्न कर लेते हैं मीडियन। अभी चेक करना है कि अगर हमारा टोटल एलिमेंट्स अगर ऑड नंबर है तो हमें क्या करना है, सिंपली उसको डिवाइड बाय टू करके सेंटर एलिमेंट गेट करके रिटर्न करना है। लेकिन अगर इवन नंबर है तो हमें बीच के दो एलिमेंट्स को समेशन करना है, फिर उसको डिवाइड बाय टू करना है। तो मैं यहाँ पे डबल, अगर ऑड नंबर है तो मीट ले लेता हूँ टोटल एलिमेंट डिवाइड बाय टू, और मिडल वाला एलिमेंट्स को हम रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीडियन में इक्वल टू फाइनल एरे ऑफ मिड, हमें मिड को पहले इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मिड जब अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू डबल में भी आ सकती है। तो यहाँ पे स्टेटिक कास्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटिक कास्ट बेसिकली क्या करेगा कि तुम्हारे जो डबल वैल्यू उसमें से फ्लोटिंग वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर इवन नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर इवन नंबर है तो हमारा जो वैल्यू है वो इंटीजर में आएगा डिवाइड बाय टू। सो हमें सेम एज इट इज मीडियन को गेट करना है। सो यहाँ पे फाइनल एरे ऑफ मिड प्लस फाइनल एरे ऑफ मिड माइनस वन, पहले तो ये दोनों वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटिक कास्ट ऑफ डबल, उसको डिवाइड बाय टू करते हैं, ठीक है। सो प्रोग्राम इज रेडी, इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मीडियन ऑफ एरे इज 2.5। सो सेम एज इट इज यहाँ पे भी आउटपुट है 2.5। बस यही कोड को हम लीट कोड पे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके रन करके चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और हमारा रन टाइम है 2 मिलीसेकेंड, ठीक है। सो इसमें एरे मर्ज भी हो गया, सॉर्ट भी हो गया, और मीडियन एलिमेंट को हमने फाइंड करके चेक भी कर लिया। तो इसको हम सबमिट कर लेते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे हार्ड लिखा है, लेकिन हार्ड वाला प्रॉब्लम है नहीं है।
ठीक है, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इफ़ यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्रॉब्लम, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब दी माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।